दोस्तों, आपका सबका स्वागत है। सोशियोलॉजी यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे अभी हम, और चैप्टर वन शुरू कर रहे हैं। हमने इसके पहले चैप्टर फाइव, मैंने पहले बता चुका हूँ, स्ट्रैटिफिकेशन, एंड चैप्टर सेवन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी हम कवर कर चुके हैं। बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं, उस पर कुछ 40-45 अभी हम वीडियोज़ बना चुके हैं। प्लीज़ साथ साथ देखना शुरू करो। अगर आप यहाँ से भी शुरू कर रहे हो तब भी कोई बुराई नहीं है, यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो। और हम ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर होता है, शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको विद टाइम याद करनी होंगी। हमेशा एवरी ईयर यू विल सी टू क्वेश्चंस एंड कंपलसरी क्वेश्चंस, जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से इस चैप्टर में से दो सवाल आएंगे। आज का टॉपिक है 1A। पूरे चैप्टर वन जो ये हमारे पास में तीन टॉपिक हैं, उसमें से आज हम एक कवर कर देंगे, देन एक कल, देन एक नेक्स्ट डे, और फिर हम चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। टेस्ट भी लिखा करेंगे। ओके, आज का टॉपिक है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। बहुत सिंपल टॉपिक है। पहले आपको बताना होगा कि मॉडर्निटी क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे कि उससे बदलाव क्या क्या आया। मॉडर्निटी बताई हमने पहले क्या होती है, उससे बदलाव क्या क्या आया मॉडर्न होने से, जब हम मॉडर्न हो गए, एंड उससे यूरोप में क्या क्या बदलाव आया, एंड किस तरह से इस बदलाव ने सोशियोलॉजी को जन्म दिया। सोशियोलॉजी कोई ऐसे हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई सब्जेक्ट कोई ऐसे, ठीक है, तो लेकिन ये हुआ कुछ, उसके बाद ही ये सब चीज़ें चलनी शुरू हुई। तो हम ये हमारा आज का टॉपिक यही है, बहुत सिंपल टॉपिक होता है। इसमें आप जितने जैसे ना, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे ईजी प्रिपेयर करते हैं, एंड लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा मसाला दूंगा ऐसा। आप उसको याद करो, आपको PDF भी अटैच है नीचे, वो भी पढ़ो, एंड आपको बुक पढ़नी है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आपको रिट्ज़र पढ़नी ही पढ़नी है इस चैप्टर के लिए। एंड देखो, रिट्ज़र खरीदनी पड़ेगी आपको ना, बुक्स खरीदने में कंजूसी मत बरतना, ठीक है, क्योंकि बुक्स हैं कि हर सब्जेक्ट की दो दो, एक तीन तीन, अगर एक दो तीन कुछ किताबें खरीदनी पड़ रही हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट तो करोगे आप, है ना। तो और रिट्ज़र पढ़ेंगे हम पैरेलली, हम इग्नू पढ़ेंगे, रिट्ज़र एंड इग्नू रखेंगे हम दिमाग में, इनको कवर करते रहेंगे, दैट्स इट। एंड हम ज्यादा नहीं करेंगे, जैसे ना कि ऐसे कि पागल नहीं हो जाएंगे, ये भी पढ़ लिया वो पढ़ लिया, जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक से सोशियोलॉजी में रखेंगे अपना एजेंडा। तो एंड चैप्टर वन के तीन टॉपिक हैं, डिसिप्लिन सोशियोलॉजी के, जैसे मॉडर्निटी से क्या बदलाव एंड कैसे सोशो आ गई, देन देखेंगे कैसे सब्जेक्ट बढ़ता गया, इसका स्कोप बढ़ता गया सब्जेक्ट का, शुरुआत बहुत नैरो हुई थी, देन ग्रेजुअली इतना कुछ डाल दिया हमने, और बाकी सोशल साइंसेज से जैसे इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एट्सेट्रा, इनसे सोशो कैसे कंपेयर होती है, और अगेन बहुत ही हमने रिच बनाया हुआ है, और कॉमन सेंस, क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है या नहीं है, ये भी सवाल बहुत ऑफन पूछा जाता है। तो हमने आज चलो शुरू कर रहे हैं इसे। तो अब चैप्टर वन की मॉडर्निटी, मैंने आपको पहले बता रहा हूँ हम क्या करेंगे, हम पहले मॉडर्निटी डिफाइन करेंगे कि मॉडर्न होना कहते किसको। आप इतना ऑफन ये वर्ड यूज़ करते हो मॉडर्न होना, तो लेकिन कभी इस पर थोड़ा गौर नहीं किया होगा कि मॉडर्न किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हो। हम थोड़ा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे, सोशियोलॉजी का हमारा जो एग्जाम है उसमें हम स्पेसिफिक तरह से आंसर करेंगे, मॉडर्निटी एक्सप्लेन करेंगे। मॉडर्निटी एक्सप्लेन करने के बाद अगेन आई एम रिपीटिंग, हम चेंजेस एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या बदलाव आए। चेंजेस के बाद हम मूव कर जाएंगे, ये चेंजेस को हम समझ ही नहीं पा रहे थे, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ थी नहीं चेंजेस समझ पाएं जो मॉडर्निटी आ रही थी यूरोप में 1800 के आसपास। तो उन चेंजेस को समझने के लिए हमें एक सब्जेक्ट, हमें एक चीज चाहिए थी जिसको हमने सोशियोलॉजी करके हमने कुछ जन्म दिया। तो सोशियोलॉजी का कैसे जन्म होता है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसके बारे में, इसको और रिच करने के लिए मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स दूंगा, लिखते रहना, PDF भी है बट, लेकिन हैंड रिटन नोट्स और हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं अगेन, ठीक है, एंड किताबें पढ़ेंगे हम, ठीक है। मॉडर्निटी होती क्या है, रिट्ज़र ही डिफाइन करता है, जॉर्ज रिट्ज़र किताब है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से अगर आप खरीदोगे तो हमें भी उसमें से क्या होता है, हमें अमेजोन से एक बेयर मिनिमम एक हमें कॉन्सेशन मिलता है, कॉन्सेशन नहीं क्या बोलते हैं उसको, एफिलिएट समथिंग आई डोंट नो, तो उसका लिंक है वो लगा दिया नीचे, तो अगर आप उससे परचेज करते तो इट हेल्प्स अस जनरेट रेवेन्यू, ओके, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूं मॉडर्निटी होती क्या है, रिट्ज़र इसको बताता है, आप रिट्ज़र बताता है कि मॉडर्निटी इज थिंकिंग न्यू या थिंकिंग डिफरेंट, कि आप कुछ भी कहते, इसीलिए जरूरी नहीं है कि मॉडर्न आप सिर्फ 18वीं सदी में हुए, 17वीं सदी में हुए, नहीं, मॉडर्न तो कभी भी, जब आप नया सोचोगे या कुछ डिफरेंट सोचोगे आप मॉडर्न होते जाते हो, उसको ही मॉडर्न इंग्लिश का वर्ड है। वो कह रहे हैं जब आप ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है उसको अपोज करते हो, उसके खिलाफ कुछ आवाज जब आपकी होती है तो आप मॉडर्न कहलाते हो, बड़ी सिंपल डेफिनेशन रखी है। एंड कहते इसीलिए इट्स अ कंपैरेटिव प्रोसेस, कंपैरेटिव मतलब कि आप पहले वाले वक्त से आज के वक्त को कंपेयर करोगे तो आप मॉडर्निटी की बात कर रहे हो, सिंपल बात है जी, ठीक है, ओके।
आगे तो मैं आपको कुछ कुछ थोड़ा सा अब डिटेल में घुसना शुरू होते हैं। अब एक रेनेसा नाम की एक चीज शुरू हुई थी यूरोप में, एंड रेनेसा का मतलब क्या था, रीबर्थ, कि इंसान की वापसी, दोबारा एक जन्म हुआ इंसान का। डार्क एजेस चल रही थी यूरोप में, डार्क एजेस का मतलब क्या है, जहां पर ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल नहीं करती यहां से वहां, तो जो जो विचार किसी के बन गए वही विचार बने हुए सदियों सदियों तक, विचार बदलते ही नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, दकियानूसी हो गए, ट्रेडिशनल हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो अब वो वाले रेनेसा ने आके उसको बदलना शुरू किया। रेनेसा का आपको मैं अगर बताऊं थोड़ी सी कहानी, तो रेनेसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, रेनेसा को हम रीबर्थ से जोड़ते हैं, क्योंकि जो वर्ड अगर हम निकालें इंग्लिश में, रीबर्थ, कि इंसान दोबारा पैदा हुआ एक तरह से, जब इंसान ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। उसके पहले देखो होता क्या था, उसके पहले चर्च का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, चर्च बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी इंसान की जिंदगी को, यूरोप की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पर अब ये हो, और चर्च एक आइडिया क्या प्रोपागेट करती थी, चर्च का आइडिया था एक आइडिया, वो था आफ्टर लाइफ का, कि जो भी करना है सब कुछ आप आफ्टर लाइफ के लिए बचा के रखो, कि आप प्रीस्ट को सेवा में सब चढ़ाओ धन दौलत, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रीस्ट को देने से कि आपकी आफ्टर लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। तो रेनेसा में क्या हुआ, आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को देखो, आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को हमने डिनाई कर दिया, कि हमें नहीं चाहिए आफ्टर लाइफ, हमें चाहिए दिस वर्ल्डली प्लेजर। ये बहुत ही एक हमारे एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, उन्हीं का आइडिया है, मैं वहीं से बोरो कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि दिस वर्ल्डली प्लेजर पर फोकस आया। अगेन बहुत सारे लोग इस पे फोकस करते हैं कि रेनेसां के आने से लोगों ने चर्च को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया। नहीं, चर्च को दरकिनार नहीं किया, उन्होंने बोला चर्च की कुछ बातों को हम दरकिनार कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं, कि आफ्टर लाइफ के लिए हम इतना फोकस नहीं करेंगे, हमें दिस वर्ल्डली प्लेजर चाहिए, ठीक है। जैसे आप उसके बाद देखो, इवन की जो चर्च के लिए जो बेसिलिका बनाई गई, जो सेंट पीटर्स बेसिलिका है वहां पर यूरोप में, जो रोम में, तो जो वो वैटिकन सिटी, तो वहां पर वो सेंट पीटर्स बेसिलिका इज सो ह्यूज, सभी कुछ इतना बड़ा बड़ा, नई नई पेंटिंग्स आ रही है, म्यूजिक में इतनी रेवोल्यूशन आ रही है, क्योंकि दिस वर्ल्डली प्लेजर पर फोकस आ गया था। रेनेसा में सबसे इससे शुरुआत होती है, करते करते नई साइंटिफिक डिस्कवरीज होती जाएंगी, न्यूटन कुछ निकालेगा, गैलीलियो कुछ निकालेगा, तो इंसान, और एक एक करके चर्च की जो बातें हैं, चर्च की बातें होती जाएंगी, जो चर्च ने लोगों को इतने टाइम तक गुमराह किया वो वाली गुमराहियां खत्म होती जाएंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत कुछ है, तो वही हम क्या बोलेंगे, रेनेसा जो हुआ, शुरुआत हुई, जो 12वीं 13वीं सदी में कभी शुरुआत हुई थी उसकी, उससे क्या जन्म होते होते कहां पहुंच गई बात, सेकुलर आइडियोलॉजी पर, लोग सेकुलर हो गए हैं। अब सेकुलरिज्म को हम भी डिफाइन करेंगे, पॉल साइंस वाले इसको थोड़ा अलग डिफाइन करते हैं, पॉल साइंस की डेफिनेशन थोड़ी नैरो है, सोशियोलॉजी की थोड़ी वाइड रखती है, हम क्लासेस में भी बताते हैं। तो जो पॉल साइंस के डेफिनेशन में बोलते हैं, जब रिलीजन विड्रॉ करता है कहां से, पॉलिटिक्स से, तो नहीं, सेकुलरिज्म इससे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सेकुलरिज्म में जब रिलीजन विड्रॉ करता है सोशल लाइफ से, सोशल लाइफ में जब आप, लेट से आपकी एजुकेशन अगर ये रिलीजन पर बेस्ड नहीं है तो आपकी सेकुलर एजुकेशन है। अगर आपकी इकोनॉमी, लेट से मैं बैंक बनाने की बात करता हूं, मैं बोलता हूं नहीं मैं बैंक बनाऊंगा अपने रैशनल प्रिंसिपल पे, मैं किसी इस्लामिक बैंकिंग या किसी और तरह की बैंकिंग तरह नहीं बनाऊंगा, तो मेरी बैंकिंग या मेरी इकोनॉमी सेकुलर है, जॉब्स मिलती है सेकुलर तरह से। तो ये हमारा एजेंडा क्या हुआ, आप ये प्लीज इसको नोट कर लो कहीं साइड में, सेकुलरिज्म क्या मतलब निकल के आता है, जब रिलीजन विड्रॉ करता है फ्रॉम सोशल लाइफ, दिस इज द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन, हम इसको रिलीजन के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी साथ साथ जानते जाओ कि बुराई नहीं है, ठीक है। तो रेनेसा ने सेकुलर आइडियोलॉजी को जन्म दिया, कि हम अब सब आपस में इंटरैक्ट करेंगे रिलीजन के नाम पर नहीं, लेकिन सेकुलर किसी विचारधारा पर। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की कोई चीज होती है 18वीं 19वीं सदी में, 1789 की बात है, तो उससे उसने इक्वालिटी, लिबर्टी, क्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया को जन्म दिया। उससे हुआ कि सब बराबर हैं, कि ये राजा है या ये रंक, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब बराबर, सबको हक मिलने चाहिए। तो ये वाली बात आई समाज में। अब मेरा एजेंडा क्या बताने का, कि मॉडर्निटी ने नई नई विचारधाराएं प्रेजेंट करी हैं, सेकुलर विचारधारा, इक्वालिटेरियन विचारधारा, उसका मैं आपको सोर्स भी दे रहा हूं साथ में, कि सोर्स क्या क्या है, ठीक है, सोर्स भी दे रहा हूं ताकि थोड़ा आप अभी समझो इसको, ठीक है। एंड देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है इंग्लैंड में, उसने यूटिलिटेरियन, कि भाई चीजों की यूटिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि संभाल संभाल के रखी जाओ आफ्टर लाइफ के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा, चीजों की यूटिलिटी है उनको यूज करो। एंड मे बी यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव का आपको मैं अगर बताऊं, यहां पे एथिक्स में यूज कर सकते हो इसको आप, एथिक्स में बहुत अच्छा आंसर बन सकता है, कि कैसे यूटिलिटेरियन के जो इनिशियल कुछ हमारे जो थिंकर रहे, उन्होंने एक आपको शायद एथिक्स में भी हमने पढ़ा था और आप और जगह भी पढ़ते हो, यूटिलिटेरियन आइडिया क्या होता है, कि मैक्सिमम हैप्पीनेस
फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, है ना, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस चाहिए फॉर सबसे ज़्यादा पीपल। आप आज के ज़माने में इसको मत देखो, उस ज़माने में देखो जब सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, राजा, राजा या उसके जो आसपास मिनिस्टर्स हैं, नोबल्स बोलते हैं जिनको, वो डिसाइड करते हैं, लोगों से पूछते ही नहीं कुछ हो। तो इसीलिए जब वो विचारधारा उस वक्त आ रही है, उस ज़माने में जाके देखो जब कोई ऐसा कोई थिंकर बोल रहा है कि आपको ऐसी विचारधारा होनी चाहिए जिससे सब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, हैप्पीनेस आए, तो वो क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी की स्थापना करने की बात कर रहा है कि हमें डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी चाहिए, सबकी हैप्पीनेस की बात होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब मैं एक बार क्विक रिपीट कर रहा हूं, आगे आगे थोड़ा तेज चलेंगे। रेनेसां ने हमें सेकुलर होना सिखाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें इक्वालिटी वगैरह की बात समझाई, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव दिया, जिससे कि हमने क्या डिसाइड किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी चाहिए हमें। ठीक है, एंड इससे डेमोक्रेसी वगैरह की नींव पड़ती है। ठीक है, ओके, तो ये बात हुई हमारी शुरू। तो अब ये मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे कदम, बहुत लंबा प्रोजेक्ट है मॉडर्निटी, 700-800 साल हम आज भी मॉडर्निटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी कौन सा हम कोई अंत थोड़ी ना कि हाँ आज हमने पहुंच गए यहां पे, हमारा मॉडर्न बन गए, नहीं, क्या है अंत किसी को पता ही नहीं, बस हम, लेकिन हमने कुछ डिफाइन करने की ट्राई करते हैं जो हमने अपने पूरे हर एक जीएस वगैरह सब आंसर में क्या करना है, हमने डेफिनेशनल अप्रोच रखनी है, हमने चीज़ों को डिफाइन करना है, जितना डिफाइन करते चलोगे उतना बेटर है। एंड मेरी राइटिंग के लिए कि मुझे माफ करना, ठीक है, राइटिंग बहुत ही हॉरेंडस है। ओके, तो आगे अब लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स है नोट करने वाली जिसको हम पेपर में लिखेंगे, जैसे है एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब है तो लोगों को एकदम से अकल आ गई, वाह वाह लाइट आ गई, ठीक है जी। तो और जैसे कि अब लोगों ने, पहले था कि सबको चर्च चला रही है, अब कहते नहीं हम ना कि अब लोगों को मानना शुरू हो गए लोगों का कि हमें बात समझ आ रही है, बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी हमने बात की, गैलीलियो वगैरह बता रहे हैं कि, और जो केपलर वगैरह, केपलर था एक, वो बता रहा है कि अर्थ सेंटर में है सन, वो पहले चर्च बोलता है अर्थ सेंटर में सन चक्कर काटता है, ये जो नए नए साइंटिस्ट आए ये बोलते नहीं सन सेंटर में अर्थ चक्कर काटती है, जो मेजर धक्का लगा चर्च को। तो उन्होंने बोला कि अब हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं, उसको रीजन कर सकते हैं, और हम इसको एम्पीरिकली, एम्पीरिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करेंगे हम सोशल बार बार, एम्पीरिकल मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया हो, ऐसे बैठे बैठे ना बोल दिया गया हो, एक्सपेरिमेंट कर देखा गया हो, ठीक है, एम्पीरिकल। और यूनिवर्सल लॉज बन सकते हैं, अगर लेट्स से एक प्लैनेट ये फॉलो कर रहे हैं, सभी प्लैनेट ऐसा फॉलो कर रहे होंगे, तो इन्होंने, उनको लगा कि हम सोशल लॉज भी ऐसे बना सकते हैं जो इस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉ के जैसे बनते हों। ठीक है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट में ऐसी शुरुआत होती है कुछ ये, और चलता जाएगा प्रोजेक्ट, ऐसे में किसी एक दिन की बात नहीं कर रहा कि इस दिन हुआ ये, नहीं नहीं चलता जा रहा है, नई नई विचारधाराएं आई जा रही हैं, सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, ये सब इनको आइडियाज आ रहे हैं, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं। यहाँ पे आप कुछ नाम भी ड्रॉप कर सकते हो करना चाहो, अगर आपको कोई इन्वेंशन डिस्कवरी अगर जैसे लगता है अच्छी, न्यूटन, गैलीलियो, केपलर वगैरह की, उसके बारे में डालते रहो। एंड उसके बाद रेवोल्यूशंस आ रही हैं नई नई, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आएगी दुनिया में, हमने बात करी फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगी, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी, सोशल रेवोल्यूशन, लोग अपने हक की डिमांड कर रहे हैं, ये सब हमने ये अपने चैप्टर वन लिखा हुआ है उसमें रिट्ज़र में, तो आप इसको इनरिच करते रहना। मैं आपको अभी ब्रॉडर एक एजेंडा चाहता हूं समझाना, ठीक है। कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, देखो नई नई कंपनीज बन रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस वक्त, इंडिया की तरफ आ गए वो ट्रेड करने, पोर्चुगीज निकले हुए हैं ट्रेड करने, दुनिया भर में एक हड़कंप मचा दिया यूरोप ने, यूरोप ने एकदम से बहुत ज्यादा सब तरफ पांव पसारने शुरू कर दिए थे, कमर्शियल रेवोल्यूशन। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार का 2017 में जो हमारा मेंस हुआ है सोशियोलॉजी में क्वेश्चन भी आया है, एंड इंसिडेंटली प्रिपेयर किया हुआ था, बच गए। तो इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन क्या होता है कि विचार, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, लोगों को नए नए आइडियाज दिए जा रहे हैं, थिंकर्स आ रहे हैं नए नए, वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे विचारधारा से एकदम हड़कंप, भूचाल मच रहा है, रेवोल्यूशंस आ रही हैं। तो आपने बताना है कि एनलाइटनमेंट किस तरह से आती है, कि लोग समझ पाते हैं चीज़ों को और उसको कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। पहले था कि चर्च चला रही है यूनिवर्स को, ठीक है जी, भगवान चला रहे हैं, कहते नहीं अब हम उसको देखेंगे, हम समझेंगे और हम नई नई चीज़ें बनाएंगे, सोसाइटी को अच्छा बनाएंगे, इन्वेंशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, नई नई रेवोल्यूशंस आ रही हैं, सब ये मॉडर्निटी के कारण हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये एक नई एरा स्टार्ट होती है जिसको नाम क्या दिया गया, मॉडर्निटी, कि मॉडर्न वर्ल्ड शुरू हो रहा है जी अब, ठीक है, इंडिया में नहीं हो रहा कुछ ऐसा, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, यूरोप की बात ही कर रहे हैं। ओके, आगे तो मॉडर्निटी से होता क्या है, अब
तार जुड़ते जा रहे हैं। पहले हमने थोड़ा सा बताया मॉडर्निटी क्या होती है, उससे क्या क्या हुआ, अब मॉडर्निटी से आगे बताएं क्या क्या हुआ, कुछ कुछ बदलाव होने शुरू हुए, सोशल चेंज आने शुरू हुए। सोशल मतलब सामाजिक, कि समाज में कुछ कुछ बदलाव आ रहे हैं। आप खुद ना एक बार इमेजिन करो कि थोड़ी सी सरकार कोई पॉलिसी बदलती है तो, या कोई नई मान लो कोई गैजेट कोई इन्वेंशन होती है तो समाज कितना जल्दी बदल जाता है। आपको मैं ऐसे एक कहानी चाहता हूँ सुनाना यहाँ पर। जैसे आप इमेजिन करो कि अभी 2017 चल रहा है, आप आज से चले जाओ कुछ 25 साल पहले, 90s में चले जाओ। 90s में कोई इतने बाइक्स स्कूटर्स नहीं भाग रहे हैं सड़कों पे, गाड़ियां तो बहुत ही कम है वैसे भी। तो आप इमेजिन करो लड़की गाड़ी चलाती हुई आ रही है कोई, है ना, ये तो इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद इमेजिन करो लड़की जीन्स पहन के घूम रही है, एंड इमेजिन करो कि लड़की कोई काइनेटिक होंडा हुआ करते थे तो वो चला रही है। तो अब ये सब चीज़ें उस वक्त आप 90s में पहुंच गए, ओहो कितनी अजीब लग रही है ना अब, लेकिन 2017 में आओ कितने कॉमन है ये, दिस इज सो कॉमन। ये हुआ क्या, क्योंकि ग्रेजुअली चीज़ें आती गई, समाज बदलता गया, ठीक है, नई नई डिस्कवरीज इन्वेंशंस होती जा रही हैं, समाज पर उसका असर पड़ेगा। इंटरनेट ने आके तो बिल्कुल ही परिभाषा बदल दी है, नई नई तरह के ड्रेसिंग सेंस है लोगों के, खाना इतना नया नया तरह का खाते हैं, इतने रेस्टोरेंट्स खुल गए अपने आसपास, ऐसे तो नहीं था पहले। तो ये क्या हो रहा है, हम रिएक्ट करते हैं, हमारा समाज हर चीज को रिएक्ट करता है तो, और अपने आप को बदलता है। तो इसीलिए ना मॉडर्निटी जब समाज में आ रही है तो समाज में बदलाव आ रहे हैं कुछ, कहां पे, यूरोप में। ओके, तो जैसे क्या हुआ, फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी का मतलब जहां पर जैसे लैंडलॉर्ड टाइप चीजें हैं, वो अब समाज बदल के क्या बनता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है। अलग तरह की सोसाइटी है इंडस्ट्रियल, कि लोग फैक्ट्रीज में जॉब करते हैं एक्सेट्रा, ठीक है जी। लिबरल डेमोक्रेसीज का राइज होता है, कि डेमोक्रेसी मतलब राजा रूजा कुछ नहीं है, अब जनता चुनेगी अपना पर जो प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव, जनता चुनेगी लिबरल विद राइट्स, उनको हक भी, लोगों को हक मिलेंगे। देन मिडिल क्लास इमर्ज होगी, तो अलग ही चीज, मिडिल क्लास या तो लोग अमीर थे या गरीब थे, ठीक है जी। मिडिल क्लास नाम की क्या चीज आ गई, अब मिडिल क्लास की बाढ़ आएगी। तो इस ये कुछ मेजर बदलाव है, इनको नोट करके रखना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा इसका पूरे लेक्चर का, लेकिन स्टिल आप समझते जाओ, इसको नोट करते जाओ। तो फ्यूडल टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी पहला बदलाव, लिबरल डेमोक्रेसीज राइज करेंगे दूसरा बदलाव, मिडिल क्लास आएगी तीसरा बदलाव। अब लेकिन ये चीजें आएंगी जब, ये तीन चीजें, इन तीन चीजों के साथ आपने क्या दिखाना है कि मॉडर्निटी से ये बदलाव आए, इन बदलाव से प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, समझ रहे हो बात। मॉडर्निटी से कुछ बदलाव आए, बदलाव से सोशल चेंज, सोशल चेंज से क्या आई, ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी, हमने बोला फ्यूडल सोसाइटी चली गई एंड या जानी शुरू हो गई, अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ रही है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से क्या हुआ, वर्कर्स की कंडीशन बहुत बुरी है, उसमें वर्कर्स को बिल्कुल ही चूस लिया जाता है, ठीक है जी, और उनके बिल्कुल सारी की सारी जितनी भी उनकी पॉसिबल है मेहनत उनसे एक्सट्रैक्ट करना की जाती है, लंबे लंबे वर्किंग आवर्स हैं, बहुत कुछ, ठीक है जी। तो वर्कर्स की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही कम खर्चा किया जाता है उस पर। न्यूक्लियर फैमिलीज आती हैं, न्यूक्लियर मतलब जो अपने जॉइंट फैमिली से छोड़कर आ गई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज इमर्ज होती हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई गाँव में से छोड़ के लोग पहुँचेंगे जब शहर में, पूरा का पूरा परिवार नहीं ट्रेवल करता साथ में, एक पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर आ गए, या सिर्फ पति पत्नी ही आ गए, दैट्स इट, वो माइग्रेट हो गए। तो न्यूक्लियर फैमिलीज राइज होती हैं एकदम से, नए नए अर्बन सेंटर्स बनते हैं, कि अर्बनाइजेशन फर्स्ट टाइम दुनिया विटनेस करती है इस लेवल की, कि अर्बनाइजेशन हो गई, है ना, कि नए नए इंडस्ट्रियल टाउन्स बन रहे हैं जहां पे न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं, जॉइंट फैमिली रहती ही नहीं कोई। तो न्यूक्लियर फैमिलीज के अलग तरह के कुछ प्रॉब्लम आई, डोमेस्टिक वायलेंस, पति पत्नी में झगड़ा, ये पहले नहीं देखा जाता, जॉइंट फैमिली में रोक दिया जाता था, आज भी रोक दिया जाता है इंडिया में अगर आप विटनेस करो, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज में डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी हाई है। उसके बाद फ्रीक्वेंट सेपरेशंस, डिवोर्स रेट आया, किसी को पता नहीं था डिवोर्स नाम की कोई चीज़ होती है, अब अलग अलग होने शुरू हो गए, कोई दबाव नहीं है समाज का, कोई जानता नहीं है पड़ोसी को, तो सेपरेशन शुरू हो गई। रिलीजन में फेथ काफ़ी डिक्रीज हुआ, हमने बात करी, ये तो हुआ ही क्योंकि उनको लग रहा था कि हम अब सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, रिलीजन की कोई हमें खास ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एब्सोल्यूट पॉवर्टी आती है, हाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी राइज करती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ, कि ऐसी पॉवर्टी जिसमें खाने पीने के, रोटी कपड़ा मकान के पैसे नहीं है, ठीक है। गाँव में ना ऐसे आप जाके देखो कि लोग ना भूख से नहीं मरते, अगर कोई गाँव में कोई है और बंदा जिसके पास पैसे हैं या खाना पीना है, एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, लेकिन अब शहरों में ऐसे कोई किसी को जानता नहीं पहचानता नहीं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का राइज होता है।
पहले क्या हुआ करती थी, रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है जी, ओके वो ज़्यादा अमीर है मैं कम अमीर हूँ, अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का हम आगे पढ़ेंगे भी, एक सिंक्लेयर का एक सर्वे है, सिंक्लेयर के सर्वे ने प्रूव किया 19th century यूरोप में पॉवर्टी सोशली क्रिएटेड, ऐसा समाज ने क्रिएट किया है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रख रहा है, किसी के पास कुछ बचा ही नहीं कुछ खरीदने के लिए, ठीक है जी। तो ये बातें याद रखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या क्या किया, ठीक है, समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स देख रही। एंड इसके बाद ना आप यहाँ पे और डाल सकते हो कि अर्बनाइजेशन जब आती है तो नए नए तरह के क्राइम्स, पेटी क्राइम्स, जो छोटे मोटे जो होता है ना, जैसे चिंदी चोरी कि किसी का पर्स लूट लिया, किसी का ये है ना ऐसे वाला, बर्गलरी, किसी की दुकान लूट ली, तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, छोटे छोटे क्राइम्स बहुत बड़े, पेटी क्राइम्स, और ये मर्डर, इतना मर्डर यूरोप में हुआ उस वक्त तो था ही नहीं। आज आपको एक सवाल पूछा गया था GS1 में, उससे भी आप उसको कंपेयर करो, GS1 में आपसे पूछा गया कि कैसे आज का भारत जो चल रहा है 2015-16-17 में, ये वाला जो भारत है वो 18वीं सदी के यूरोप से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप, 18वीं सदी, बिल्कुल कर सकते हैं कि नए नए शहर बस रहे थे, क्राइम रेट वगैरह बहुत हाई था, एंड शहर गंदे थे, एंड हवा, आबो हवा बहुत बुरी थी, बिल्कुल सेम इंडिया में दिखता है, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है इंडिया में, ऐसा होगा ही होगा, नए नए टाउन्स बनते हैं, तो आप वहाँ पे वापस ले जा सकते हो उसको, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ प्रॉब्लम आई कुछ, आगे बढ़ते हैं, हमने बताया लिबरल डेमोक्रेसीज आई, लिबरल डेमोक्रेसी जनता अपना हेड खुद चुन सकती है, उनको राइट्स वगैरह मिलेंगे, इससे भी प्रॉब्लम आई लोगों को, कैसे, चेंज बहुत एब्रप्ट था, जंग छिड़ी, रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन एटसेट्रा, तो एकदम से चेंज था, लोगों को बात समझ नहीं आई कि क्या करें, तो केओस क्रिएट हुआ, फ्रांस में अटर केओस, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है उसके बाद रेवोल्यूशन ही चली जाती है फ्रांस में, रेवोल्यूशन थमती नहीं, एक चीज को सेटल करते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी करते हैं तीसरी आ जाती है, परमानेंट ही था कि फ्रांस तो रेवोल्यूशन में ही रहता है, तो फ्रांस को कंट्रोल में रखो वरना तो ये तो हमेशा ही पूरे यूरोप को खराब रखेगा, तो फ्रांस में केओस चली जा रहा है, एंड पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट विल वर्क आउट एंड विल दे बी बेटर ऑफ, उनको पता ही था, कहते अच्छा मान लो हमने डेमोक्रेसी के चलते अपना राजा चुन भी लिया, क्या हमारी जिंदगी बेटर हो जाएगी, क्या अच्छे दिन आ जाएंगे, नहीं पता हमें, ठीक है नी, उनको श्योरिटी नहीं है अभी, तो इसलिए लिबरल डेमोक्रेसी ने लोगों को बहुत एंग्शियस कर दिया, बड़ी एंग्जाइटी बहुत बढ़ा दी कि अब नेक्स्ट क्या होगा पता ही नहीं, कि कौन नई क्या पॉलिसी कैसे ले गया किसी को पता ही नहीं, एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स आए, या आप रिट्ज़र में पढ़ोगे, जैसे आप, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, रिट्ज़र में नाम आएंगे जब आप पढ़ोगे, डी बोनाल्ड करके एक बंदा आएगा, माइस्ट्रेस करके बंदा आएगा, ठीक है जी, ये बस छोटे छोटे नाम है, माइस्ट्रेस वगैरह, ये बंदे आए, ये बोलते हैं कि नहीं काम करते हैं, छोड़ो डेमोक्रेसी वगैरह, चलो हम वापस चलते हैं मिडल एजेस में, फ्यूडल सिस्टम पे वापस चलते हैं, हमें पता तो होगा हमारा जमींदार कौन है, हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहते लेट्स जस्ट क्विट एवरीथिंग एंड लेट्स जस्ट गो बैक, काउंटर रेवोल्यूशन आया, तो इनलाइटनमेंट को कैंसिल करने के तरीके भी कुछ यहाँ पे लोग सोच रहे हैं, ओके तो लिबरल डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम भी आई, आगे बढ़ते हैं मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास नाम की एक नई चीज़ आ रही है, या तो लोग रिच थे या तो लोग पुअर थे, अब बीच में बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्रेडर्स आ रहे हैं नए नए तरह के, बैरिस्टर्स आ रहे हैं नए नए तरह के, ठीक है, एंड अभी नए नए जो इंडस्ट्रीज में जो लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया उससे कुछ कुछ लोग अमीर हो रहे हैं एंड एटसेट्रा, उसमें जाके मैनेजर्स वगैरह की जॉब मिलती है, तो मिडिल क्लास एक नई तरह की चीज़ आ रही है दुनिया में, किसी को पता नहीं था पहले, तो एंड मिडिल क्लास की एस्पिरेशन बहुत हाई होती है, क्योंकि मिडिल क्लास क्या होती है, गरीब नहीं होती मिडिल क्लास, तो इसको लगता है कि वो ऊपर आ सकती है, रिच हो सकती है, मिडिल क्लास इज नॉट पुअर, तो उसको लगता है वो ऊपर आ सकती है, तो इसलिए मिडिल क्लास की एस्पिरेशन बहुत हाई होती है, आज भी इंडिया में भी आप इमेजिन करो मिडिल क्लास ही है जो हर वक्त ही झंडा लेके चली होती है कि हमें लेट्स से विमेन सेफ्टी चाहिए और लेट्स से प्राइस राइज हो गया एटसेट्रा, मिडिल क्लास की एस्पिरेशन शांत नहीं होती, आर्टिकल्स वगैरह जितने भी अखबारों में लिखे जाते हैं सब मिडिल क्लास के लिए होते हैं कि सरकार बेटर कैसे कर दे, ठीक है जी, ओके एस्पिरेशनल क्लास है, स्ट्रक्चरल डिवाइड, ठीक है जी, स्ट्रक्चरल डिवाइड एक नई तरह का क्रिएट किया, या तो रिच और पुअर थे पहले हमने देखा नहीं, अब कुछ नई तरह का डिवीजन हो गई स्ट्रक्चरल डिवाइड, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे हम क्या हो रहा है ये, एंड देन ये डिमांडिंग है बहुत ज़्यादा, हमने बात करी, एंड कुड नॉट बी कंटेन्ड इन प्रेजेंट सिस्टम, नया सिस्टम हमें समझने के लिए हमें पता ही था कि कैसे करें, ये तो अमीर गरीब के बियॉन्ड आ रहा है, तो इससे हुआ क्या, अब कहानी जुड़ रही है, हमने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मॉडर्निटी से कुछ समाज में बदलाव आए, सोशल चेंज से आई कुछ प्रॉब्लम्स, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो प्रॉब्लम्स के लेके कब क्या करें, ये प्रॉब्लम्स तो हम समझ ही नहीं पा रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथ के फॉर्मूला लगते ही नहीं यहाँ पर, अब क्या करें, ना ही किसी रिलीजन में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, क्या करें, तो कोई ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो ये प्रॉब्लम्स को समझाए और इसके लिए कुछ उपचार सुझाए कि कुछ आंसर दे इसका, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो देखो एक मैंने यहाँ पे आपको मैं खास चाहता हूँ बताना, बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हमने वर्ड यूज़ किया BOK,
ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज. हमने कोई वर्ड जैसे स्टैंडर्ड बोलते हो ना कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप बोलते हो सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के लिए सब्जेक्ट मत वर्ड यूज करना, आगे से वर्ड का यूज करना बीओके, बॉडी ऑफ नॉलेज. देखो ये एक ऐसी एक बॉडी है, ऐसी कोई चीज है जिसमें बहुत नॉलेज है. ठीक है, क्या आपकी जैसे किस बॉडी ऑफ नॉलेज के स्टूडेंट हो आप बोलोगे सोशियोलॉजी बीओके के. ठीक है जी, तो बीओके पेपर में वर्ड यूज करना है. मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि पेपर में ये वर्ड ड्रॉप हो. ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आपके पेपर को बहुत मैच्योर बना देते हैं. ठीक है, आपके पेपर को बहुत अच्छा बना देते हैं. तो ये करने हैं हमने, आप विद टाइम आपको बताते चलूंगा क्या क्या करना है क्या क्या नहीं, लेकिन बस साथ चलते रहो बस. ओके, तो बीओके एक हमें चाहिए थी जो ये सब प्रॉब्लम्स को समझे, और इसके बारे में हमें एक नया डिसिप्लिन हमें चाहिए था जो इसको समझे एंड क्या करे, एक्सप्लेन करे पहली बात तो, एंड सॉल्यूशंस दे हमें. ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें समझ के क्या करना है, हमें चाहिए उपचार. भाई इतना केओस मचा हुआ फ्रांस में, नित नई रेवोल्यूशन आती रहती हैं, गरीबी मची हुई है, सेपरेशन हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, तो इनके सोल्यूशन क्या होंगे समाज, एंड सबसे बड़ी बात इवन की प्रिडिक्ट करे कि इसके बाद ये स्टेप ए हो गया, अब स्टेप बी होने वाला है. ठीक है जी, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में होता है. आप ना एक बात यहां समझ के देखो, हम किस जमाने की बात कर रहे हैं, उस जमाने में जब साइंस का एकदम तेजी से प्रचार हो रहा है, एंड जो साइंस है वो ऐसे हर चीज़ को एक्सप्लेन करने लगी हुई है. ये एक्सप्लेन वो बता देती है कब ग्रहण होने वाला है, साइंस बता देती है कि कौन सी बीमारी का क्या इलाज है, एट्सेट्रा, प्रिडिक्ट भी कर देती है एंड आंसर भी दे देती है. तो अब सभी का ऐसे लग रहा है कि हम क्यों ना हम एक ऐसी साइंस बनाएं जो प्रिडिक्ट भी कर दे कि देखना अब समाज अगर इससे गुजरा है तो ये आएगा अब. ठीक है जी, गेटिंग इट, साइंस का ना बेसिक सी चीज़ होती है प्रिडिक्शन करना. तो आप जब आप यहाँ बात कर रहे हो बीओके बनाने की नहीं, तो आप कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन भी चाहते हो उससे करवाना कि देखना समाज अब यहाँ जाएगा, ये प्रॉब्लम आएंगी, इसका ये सोल्यूशन होगा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. ठीक है जी, तो इसलिए हमने प्रॉब्लम्स आई तो हमने एक बीओके क्रिएट करी जिसका नाम क्या रखा गया, सोशियोलॉजी. ठीक है जी, तो देयरफॉर एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी आप ये बताओगे. इसीलिए उस सभी केओस के बाद 1838 में हमारे पास एक स्पेशल एक सब्जेक्ट नाम की चीज़ आती है जिसका नाम रखा गया सोशियोलॉजी. आप रिट्ज़र में इसको पढ़ोगे, रिट्ज़र में आपको पता लगेगा दो बंदों के बारे में आपने पक्का ध्यान से. चैप्टर वन है रिट्ज़र का, जॉर्ज रिट्ज़र किताब है, तो नीचे लिंक में मैं डाल दूंगा उसका कि, और अगर आपके पास पड़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है. जॉर्ज रिट्ज़र का चैप्टर नंबर वन जिसमें वो बताता है सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुई. ठीक है, और उसमें वो दो बंदों के बारे में बात करेगा. एक तो पहले बात करेगा वो सेंट साइमन की, सेंट साइमन. ठीक है, इन्होंने पहले सबसे पहले बात करी शुरू, एंड एक वो बात करेगा ऑगस्ट कॉम्टे की. कॉम्टे ने 1838 में पहली बार किताब लिखी, उसमें पहली बार वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ एक ऐसी साइंस बनाऊँ जो इन सब चीज़ों को जो इतनी मारो मार मची हुई है सबको समझ ले और इसके आंसर दे दे हमें. तो वो बोलता है मैं शुरू कर रहा हूँ एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी. ठीक है जी, ओके, तो 1838 में हम इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं. मदर का नाम मुझे पता नहीं, सॉरी, बहुत ही बुरा जोक था. तो सोशियोलॉजी जन्म होता है. ओके, तो अब इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को हम आपको आंसर लिखना हो अब तो आप कहोगे दो लेवल पे समझ सकते हो आप इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. पहला तो है जनरल कॉन्टेक्स्ट. जनरल कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बताओगे, बहुत सारी चीज़ें कि भाई कि आपको मैं यहाँ पे क्विकली यहाँ पे समराइज़ कर रहा हूँ कि एनलाइटनमेंट हो ही जा रही थी दुनिया में. ठीक है जी, और फ्यूडल सोसाइटी जा रही थी, और उसके बाद लिबरल डेमोक्रेसीज आ रही थी, मिडिल क्लास आ रही थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा आप बताओगे. एंड कहना ये इससे ना एक ऐसा एक माहौल क्रिएट हो रहा था कि हम समाज को भी चाहते थे समझना कि समाज में जो चीजें हो रही हैं इसको भी हम साइंटिफिकली समझें. ठीक है, ये जनरल कॉन्टेक्स्ट हो गया. लेकिन कहना एक हमें मिलता है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट. इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट कहां से मिलता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एकदम से इतना ज़्यादा अटल केओस क्रिएट किया है यूरोप में 1789 ऑनवर्ड्स कि हमें तो बहुत ही ज़रूरी हो गया. लोगों में बहुत बेचैनी बढ़ गई कि हमें कुछ प्लीज़ हेल्प करो, समाज को स्टेबलाइज करो. तो इसीलिए क्या हुआ, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट मिलता है हमें आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, जनरल कॉन्टेक्स्ट में बता दो कि जनरल कि भाई ऐसी हवा बह ही रही थी, होना ही था कुछ एक सब्जेक्ट. लेकिन जैसे मान लो आपको मैं एक वापस लेके चलता हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट पे कि
जब आप इमेजिन करो 1858 का स्ट्रगल होती है 57 की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारा देश, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, जो हमारे जिनको मॉडरेट्स कहते हो आप, तो मॉडरेट्स का एजेंडा क्या होता है, मॉडरेट्स प्रेयर पिटीशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा में लगे हुए हैं, तो किस कोई जनता के पास नहीं जा रहा, तो जनता के पास जब तक नहीं जाओगे तब तक कैसे बात बनेगी, अंग्रेज़ों पर दबाव कैसे बनाओगे। तो गांधी का आना तो बिल्कुल क्या था, अब इमिनेंट था, आना ही था। किसी अगर लेट्स से मास मूवमेंट के गांधी नहीं आए होते, कोई और आ जाता, ठीक है, एबीसी डीईएफ कोई भी नाम जा सकता था, वो था कि वक्त आ गया था, अब उसको होना ही था, ठीक है। इसीलिए जनरल कॉन्टेक्स्ट तो बिल्ड कर दिया था हमने सोशियोलॉजी के आने के लिए, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट की अब तो चाहिए ही चाहिए, किसने दिया आपको, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, ठीक है। अच्छा आंसर बन जाएगा आपका, सारी कहानी समराइज कर सकते हैं वहां पर। तो इसीलिए आपको सोशल फोर्सेस कौन सी हैं, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम लोगे, ठीक है जी। अब मैं आप ये चीज़ें ना, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये वाली कॉम्टे डरखाइम ये वो ये सब क्या है, आप मैंने समरी की है रिट्ज़र के पहले 20-21 पेजों की, ठीक है। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से हमें कौन सी फोर्सेज हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को बढ़ाने में हेल्प करी, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, कैपिटलिज्म बढ़ा जिससे इंडस्ट्रीज वगैरह आई, ठीक है जी। इसको कौन कौन लोग पढ़ते हैं, सिर्फ मैंने नीचे वो लिखा हुआ है कौन कौन लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। देन उसके बाद सोशलिज्म का राइज आया, सोशलिज्म को वेबर डरकाइम बोलेंगे हम आगे, नाम मैं आपको सिर्फ नाम से चाहता हूं इंट्रोड्यूस करा देना ताकि आप आगे कंफर्टेबल रहो। तो सोशलिज्म के खिलाफ है वेबर डरकाइम, मार्क्स कह रहा बहुत ही बढ़िया चीज लेके आए आप। सोशलिज्म मतलब कि सब कुछ समाज का है, कोई किसी का प्राइवेट नहीं है, सब कुछ समाज का, ठीक है, ओके। देन फेमिनिज्म, औरतें कह रही हमें भी हक चाहिए, ठीक है, औरतें भी एक अलग जंग शुरू करती हैं समाज में। फेमिनिज्म में लिबरेशनिस्ट मूवमेंट चलती है यूरोप में, प्रोग्रेसिव इरा चलती है यूएसए में, जहाँ पे हक की लड़ाई चल रही है औरतें। तो हो क्या रहा है, लेकिन सब कुछ सोशियोलॉजी का ही सामान मिल रहा है हमें, समाज का कोई सामान मिल रहा है, सोशियोलॉजी बनती जा रही है। तो एंड अर्बनाइजेशन हमने डिस्कस किया कि अर्बनाइजेशन की अर्बन भाई ये शहर कहाँ से आ गए, पहले कभी किसी ने देखे नहीं इतने बड़े बड़े शहर और उसकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स। तो अर्बनाइजेशन एक नई चीज़ लेके आती है, बहुत सारा मसाला मिला हुआ है साइंटिस्ट को, कौन से साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट को, समझने के लिए पढ़ने के लिए। तो सोशल साइंटिस्ट सोशियोलॉजी को जन्म दे देंगे, ठीक है। शिकागो स्कूल बनेगा, हम आगे डिस्कस करेंगे, आप इसको रिट्ज़र में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है जी। शिकागो स्कूल आता है, शिकागो स्कूल क्या था, यूएसए में एक जगह है शिकागो, वहां पर एक सोशियोलॉजी शुरुआत की गई थी, तो शिकागो स्कूल के नाम से माने जा, उसको फेमस हो गया। यूपीएससी सवाल भी पूछ चुका है शिकागो स्कूल के ऊपर। शिकागो स्कूल बहुत ही सिंपल स्कूल है, वो कह रहे थे कि हमारा सिंपल फोकस किस पर है, हमारा सिंपल फोकस सारा किस पर है कि अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम स्टडी करेंगे हम, सोशियोलॉजी की और किसी पैमाने पे नहीं जाएंगे, दायरे पे नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ अर्बन प्रॉब्लम्स को ही समझना चाहते हैं। तो इसे शिकागो स्कूल का थोड़ा स्पेसिफिक एजेंडा अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस एंड उसको प्रिडिक्ट करने पर ही है, ओके। तो हमारा सोशल फोर्सेस कौन सी आ गई, पॉलिटिकल रिपीट कर रहा हूं मैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, अर्बनाइज एंड रिलीजियस चेंजेस। समाज में रिलीजन विड्रॉ कर गया, तो रिलीजन विड्रॉ करता है तो अलग तरह के लोगों को इनसिक्योरिटी है, तो हमको इस तरह से सोशियोलॉजी के लिए मसाला मिलना शुरू हो जाता है। आगे तो वेरियस पार्ट्स में मैं क्विकली समराइज कर रहा हूँ कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में सोशियोलॉजी कैसे डेवलप होती है, वहाँ पे साइमन कॉम्टे डरखाइम तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद जर्मनी में हीगल, मार्क्स, वेबर, सिमल, मार्क्स वेबर हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, एंड हीगल एंड सिमल आप शुरू में ही पढ़ लोगे रिट्ज़र में, इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लेना, इतना पेपर में यूपीएससी नहीं पूछता, मार्क्स वेबर पढ़ेंगे हम। देन ब्रिटिश सोशियोलॉजी में हमारे पास है एडम स्मिथ की बात होती है, जो आइडिया सुना हुआ आपने वाला लेसाज़े फेयर में क्या बोलते हैं कि भाई इंडिविजुअल को जो है अपने आप पे छोड़ो, जिसको करना हो सरकार बार बार इंटरफेयर ना करे, है तो अच्छा आइडिया ही, तो कि इंडिविजुअल अपने आप से जो करना चाहता है करे, सरकार बहुत इंटरफेयर ना करे। एंड हर्बर्ट स्पेंसर आता है, हर्बर्ट स्पेंसर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर क्या बोलता है कि सोसाइटीज़ भी इवॉल्व होती हैं, सोसाइटीज़ भी आगे बढ़ती हैं, ऐसे स्टैटिक नहीं रहती, बढ़ती रहती हैं, कुछ सोसाइटीज़ इसलिए आगे हैं कुछ पीछे हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर ही आपको पता है, हर्बर्ट स्पेंसर ही वो इंसान था जिसने वर्ड यूज़ किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने आज तक सोचा होगा ना डार्विन ने बोला ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज यूज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सोशल डार्विनिज्म। ये बोलता है कि अंग्रेज, ये ना यही इंसान है जो बोलता है कि अंग्रेज बेटर कम्युनिटी हैं, अंग्रेज बेटर एक रेस है, एंड इसलिए ये जाके बाकी दुनिया पे रूल करेंगे क्योंकि ये फिटेस्ट हैं ये।
तो इसीलिए हमारे को होता है अगर इंडियंस वगैरह की पिटाई हो रही है तो जायज़ ही है, होनी चाहिए इनकी पिटाई। तो हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया था कि समाज हमारे अलग अलग चलते हैं, वो भी एवोल्यूशन होता है उनका, ठीक है जी। तो और टीबी बॉटमोर, ये अब क्विक बस समरी है, ये आपको पेपर में सवाल आ सकता है इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको, ये हमने बॉटमोर से बोरो किया हुआ है। तो टीबी बॉटमोर बोलता है कि जो इसीलिए टीबी बॉटमोर तो आजकल के साइंट हमारा सोशोलॉजिस्ट हैं 1950s 60s के, तो ये जब इनिशियल सोशोलॉजी के बारे में जब बात करते हैं इनसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से इनिशियल सोशोलॉजी जो 1838 के आसपास आई थी उसके बारे में आपका क्या मानना है, तो उस पर ये बताते हैं। हमें तो क्या करते हैं, हमें तो पॉइंट्स दे देते हैं पेपर में लिखने के लिए। ये बोलते हैं बहुत ही इंसाइक्लोपीडिक थी, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिखी जा रहे हैं, बहुत ही इंसाइक्लोपीडिया बना दिया उन्होंने सोशोलॉजी को। एंड वो कह रहे हैं एवोल्यूशनरी थी, वो मानते थे कि समाज इवॉल्व होता हुआ जा रहा है, ठीक है जी, पहले ऐसा था अब ऐसा, कोई समाज आगे है कोई पीछे है, ठीक है जी, जैसे मैंने बताया आपको इंडिया पीछे एंड ब्रिटेन वगैरह आगे। एंड पॉजिटिव थी, पॉजिटिव हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि साइंस से काफ़ी ग्रस्त है, साइंस कौन सी, अपनी नेचुरल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली साइंस, उससे काफ़ी प्रभावित है, इंसानों को इंसान नहीं समझती, इंसानों को भी एलिमेंट समझ के ही चाहती है करना काम, कि आप एक लॉ बनाओ सब तरफ ही एप्लीकेबल होगा, पॉजिटिविस्टिक है काफ़ी वो। एंड नई इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को ही चाहती है समझना, गांव मोहल्लों को नहीं समझती वो, नई इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्योंकि भाई यूरोप में उस वक्त जिस प्रॉब्लम थी जहाँ पे वहीं समझने की ट्राई थी, तो अच्छा पॉइंट भी है, ठीक है जी। एंड लास्ट इज रेडिकल है, एकदम से बहुत कुछ चाहती है बदलना। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सोशल साइंटिस्ट भी हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, जो कॉन्जर्वेटिव हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं धीरे धीरे बदलते हैं या बदलते ही नहीं, ठीक है जी। तो अर्ली सोशोलॉजिस्ट कौन सी है, इंसाइक्लोपीडिक, एवोल्यूशनरी, पॉजिटिव मतलब नेचुरल साइंस से ग्रस्त, एंड ए न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात ही करती है, कुछ रेडिकल है बहुत ज़्यादा, कुछ बहुत ही कॉन्जर्वेटिव है, ठीक है जी। तो ये आपको अच्छा आंसर बन जाएगा, 10 मार्कर आपका सही सॉल्व हो सकता है इसे। तो इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स, इस बार का पेपर में सवाल था, इंसिडेंटली हम इस पर पढ़ते हैं, थैंक गॉड बच गए। तो इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स मतलब क्या हुआ इसका, वो कह रहे हैं कि एंटीसीडेंट मतलब कि ऐसी क्या क्या विचारधाराएं चल रही थी, इंटेलेक्चुअल विचारधाराएं चल रही थी जो कि सोशोलॉजी के आने से पहले चल रही थी, जिससे सोशोलॉजी का जन्म में हेल्प मिली। एंटीसीडेंट जैसे बोलते हैं ना कि पहले एग्जिस्ट करती थी अब नहीं करती, तो ऐसी कौन सी हैं। टीबी बॉटमोर का ही बोरो कर रहे हैं हम, वो बोल रहे हैं इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट कौन से हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, कि समाज को, या बस क्विकली इसको समझो, इतना कोई खास नहीं है। तो अब तो यूपीएससी ने पूछ भी लिया, दोबारा चांस वैसे ही कम हो जाएंगे। तो इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स में नहीं, चांस कम नहीं हो सकते, सॉरी, राधर इनफैक्ट बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार यूपीएससी पूछ ले दोबारा पक्का पूछती है सून और लेटर। तो इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट में बोलते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी कि हॉब्स, लॉक, डिस्कार्ट, ये बंदे हैं बहुत सारे, इन्होंने इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल फिलॉसफी लिखी कि कैसे होना चाहिए हमारा देश, हमारी दुनिया की पॉलिटी, उसके बारे में लिखा। तो उससे नई नई तरह के आइडियाज़ आए कि इंडिविजुअल के राइट्स की बात करी इन्होंने, किस तरह से होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो रूसो वगैरह, इन्होंने बहुत बातें लिखी, तो इससे सोशोलॉजी को काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि इनके जो इन्होंने लिखा उससे समाज में बदलाव आया, लोगों ने बात सुनी इनकी, समाज में बदलाव आया तो सोशोलॉजी की तरफ बढ़े लोग। ओके, देन हिस्ट्री, अब हमने हिस्ट्री को एज एन इवेंट समझना नहीं शुरू किया, हिस्ट्री के हम गहराई में उतरे कि अच्छा इस राजा ने ये पॉलिसी बनाई तो समाज में ये असर हुआ, उस राजा ने ये किया तो वो असर हुआ। तो हिस्ट्री के बारे में गए बिटेस्टा, पियर, हीगल, साइमन, इन्होंने बोला कि भाई सोसाइटी इज़ मोर देन पॉलिटिकल सोसाइटी, समाज में बदलाव आते हैं जब राजा वगैरह कुछ काम करते हैं तो, ठीक है जी। तो हिस्ट्री की, एंड स्पेंसर ने बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे दी, जो डार्विन की थ्योरी को स्पेंसर ने यूज़ कर दिया, तो काफ़ी उससे सोशोलॉजी को काफ़ी पुश मिलता है उससे। एंड सोशोलॉजी पॉलिटिकल रिफॉर्म की मूवमेंट जो आती हैं कि कैसे हम बदलें समाज को, वो वाली मूवमेंट्स आती हैं, रेवोल्यूशन जो हमने बात करी। सोशल सर्वे मैंने बताया आपको कि सोशल सर्वे एक हुआ, सोशल सर्वे में पता लगा कि जो पॉवर्टी है इट इज़, ये सर जॉन सिंक्लेयर एंड एफएम ईडन ने किया था, ये नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने बताया हमें क्या कि पॉवर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है, पॉवर्टी तो एक सोशल प्रॉब्लम है, एंड इसीलिए हम सामाजिक कुछ हम तरीके यूज़ करके, नेचुरल साइंस के तरीके यूज़ करके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टाइप के तरीके बनाएंगे कुछ, वो यूज़ करेंगे सोशल साइंसेज में, एंड हमारे समाज का भला हो जाएगा, ठीक है जी दोस्तों। तो ये थी हमारी कहानी, मैं आपको क्विक एक चाहता हूँ रिवीजन करा देना कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज।
ठीक है, एक हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशो, कि हम इससे हम क्या देखते हैं कि कैसे मॉडर्निटी से सोशल चेंज आया, उससे कैसे सोशो आई। ठीक है जी, ये कहानी है हमारे पास। मॉडर्निटी हमने डिस्क्राइब करी पहले क्या होती है, मॉडर्निटी हमने कुछ सेकुलरिज्म, इक्वालिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियन बताया हमने क्या होता है। फिर हमने बताया कि कुछ डेवलपमेंट नोट कर लो कि ये डेवलपमेंट हुई है, एनलाइटनमेंट हुई कि अब दुनिया को लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं सब कुछ, ना कि भगवान कंट्रोल करता है। इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई, नई नई रेवोल्यूशंस हुई जिससे हम एक नई एरा में पहुंचे, नाम रखा मॉडर्निटी। आगे बढ़े हमने, हमने बोला मॉडर्निटी से ये बदलाव हुए, फ्यूडलिज्म से इंडस्ट्रियलिज्म आया, लिबरल डेमोक्रेसी आई, मिडिल क्लास आई, इनके साथ साथ आई कुछ कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें चाहिए एक ऐसी चीज जो इसको सोल्यूशन को प्रिडिक्ट करे और इनके जो प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करे, सोल्यूशन दे, एक्सप्लेन करे। तो हमने क्रिएट करी सोशियोलॉजी 1838 में, मैंने आपको बताया ऑगस्ट कॉम्प्टे ने पहली बार सोशियोलॉजी का वर्ड यूज किया और बोलता है कि क्या मैं एक ऐसी फिजिक्स चाहता हूं बनाना जो समाज को समझेगी, ऐसी साइंस बना रहा हूं समाज को समझेगी, आप पढ़ोगे इसको और किसमें, रिट्जर में। देन उन्होंने हम अपना आंसर बनाना है, हमें आंसर कैसे बनाएंगे कि सोशियोलॉजी को हम दो लेवल पे समझ सकते हैं कि सोशियोलॉजी कैसे आई, कैसे जन्म हुआ सोशियोलॉजी, इमर्जेंस कैसे हुई, एक तो जनरल लेवल पे जो हमने बहुत सारी कहानी देखी और एक इमीडिएट लेवल पे। इमीडिएट पे क्या देखा हमने, इमीडिएट पे क्या आती कहानी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उससे जो क्योस क्रिएट हुआ, इट गेव इमीडिएट हमारे को एक पुश। देन हमने बताया कि और कौन सी फोर्सेज, इसको समराइज करें, पॉलिटिकल फोर्सेज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म एंड अर्बनाइजेशन, रिलीजियस चेंजेस, इसकी बात करते हैं हम, जिससे सोशल फोर्सेज मिलती हैं हमारी एंड हमारे जो सोशो डेवलप होती है। देन टुवर्ड्स द एंड हमने बताया कि दुनिया के वेरियस पार्ट्स में, क्योंकि हमें नहीं पता ना क्या क्वेश्चन पूछेंगे हमें, तो हमने तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते रहे सब चीज़ों का, फ्रांस में ये चल रहा है, जर्मनी में ये, ब्रिटेन में ये चल रहा है, स्पेंसर स्मिथ की बात करी थोड़ी थोड़ी, टीबी बॉटमवर का ये पेपर में सवाल पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन पूछ सकते हैं कि सोशियोलॉजी, इनिशियल सोशियोलॉजी के बारे में वो क्या कहते हैं, कैसी थी, वो कह रहे थे एनसाइक्लोपीडिक, एकदम भंडारे लगे हुए हैं चीज़ों के, एवोल्यूशनरी एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव से मतलब हमने क्या समझा था, नेचुरल साइंस, कि नेचुरल साइंस के जैसे वो चाहते हैं इसको स्टडी करना समाज को, ना कि ह्यूमंस के जैसे नहीं, वो चाह रहे हैं कि कैसे स्टडी किया जाए कि जैसे हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। देन इंडस्ट्रियल सोसाइटी को स्टडी करते हैं वो, गांव वगैरह को स्टडी नहीं करते, एंड रेडिकल हैं कुछ कुछ, बहुत ही कॉन्जर्वेटिव हैं। एंड टुवर्ड्स एंड देखा हमने इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स, मतलब कि सोशियोलॉजी के आने से पहले ऐसे कौन से इंटेलेक्चुअल बातें हुई जो कि सोशो में हेल्प करती थी उसके आने में। हमने देखा इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी का जन्म है, इसमें फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की, हिस्ट्री में भी एक फिलॉसफी ढूंढी गई। देन जो स्पेंसर की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में थोड़ा सा हमने बायोलॉजी घुसाई, ठीक है जी, और अपने समाज के बारे में बताया हमने, स्पेंसर ने बताया हमें कि समाज किस तरह से ग्रो करते हैं एक्सेट्रा, कुछ आगे कुछ पीछे हैं। देन हमने बताया मूवमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म जो औरतों ने चलाई, अर्बनाइजेशन के खिलाफ चलाई, सोशल सर्वे हुआ सर जॉन सिंक्लेयर एफएमईडियन का जिसने बताया पॉवर्टी सोशल प्रॉब्लम है। तो ये हमारी कहानी थी, हमने बताया सोशो कैसे इमर्ज हुई। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कल हम देखेंगे कौन सा सेकेंड चैप्टर, स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, रिवाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना एंड प्लीज आस्क क्वेश्चंस। एंड अगर ये वीडियो लंबा हो जाता है तो ये शुरुआत का वीडियो था, लंबा रहेगा, अदरवाइज आगे वीडियोस विल नॉट बी दीज लॉन्ग। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो, ठीक है, आई विल फील गुड अबाउट इट। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू, सी यू सून।